नमस्कार। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, आज हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, करी पत्ता, इनको किस तरीके से स्टोर करें कि ये लंबे समय तक हमें अच्छे मिल सके। हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च थोड़ी सी ज्यादा ले आते हैं और फिर इन्हें संभाल कर रख लेते हैं, पूरे 7 दिन तक ये चलते रहते हैं। मैं इन्हें कैसे रखती हूँ वो तरीका देख लेते हैं। ये हरा धनिया बाजार से जब हम लाए कि पूरी गड्डी हमने बिगड़ने नहीं दी, इस तरीके से धनियों को पूरा हाथ में बंच पकड़ा और पानी में जड़ों को डुबाकर, पत्तों को डुबाकर अच्छे तरीके से भरे पानी में 2-3 बार धनिया धोया और बास्केट में रख करके थोड़ा ये हल्का सा सूखने तक सुखा लिया। और जल्दी सुखाना है तो आप इसे टावल में इस तरीके से लपेट दीजिए, हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि टावल इसका पूरा पानी सोख ले। इसके बाद टावल खोलिए और 5 मिनट पंखे के नीचे रख के इसे हवा लगा दीजिए। इतना सुखा लेना है जब हम इसे छुए कि पानी हमारे हाथों में नहीं आए। ये सारी चीजें हमने धो करके सुखा कर ले ली है। अब इन्हें स्टोर कैसे करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा धनिया उठाएंगे और सबसे पहले इनकी जड़ अलग करेंगे। कोई पत्ता खराब हो तो वो हटा देंगे। देखिए, जैसे मुझे कोई भी इसमें काले और गले पत्ते जरूर हटा देने हैं, क्योंकि अगर वो रह जाएंगे इसमें तो वो बाकी धनिया को भी खराब करेंगे। अब ऐसा बंच ही इसे पकड़ लिया और इसमें से ही ये इतनी जड़ें काट कर बिल्कुल हटा दीजिए। और ये जो धनिया हाथ में एकदम साफ सा बचा है, इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो पहले तो हम सारे धनिया को इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। मैंने आपके बहुत बार कमेंट पढ़े थे कि धनिया पुदीना को कैसे रखें, लेकिन मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। ये धनिया हमने क्लीन करके तैयार कर लिया और ये जो वेस्ट निकला है, थोड़ी सी जड़ें, इसे हटा देते हैं। इस वेस्ट से हम पौधों के लिए खाद बना लेते हैं। सफाई हो चुकी है, अब इसे स्टोर कैसे करें ये देख लेते हैं। इन्हें रखने के लिए हमने ले लिया एक डिब्बा, थोड़ा सा लंबा हो, और इसमें नीचे बिछा लिया एक टिश्यू पेपर। इसे धनिया की जो नमी होती है वो ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्व कर लेता है। और ये जो धनिया है वो हम इसमें रख देते हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, जनरली जब धनिया आता है तो इतना हिस्सा इसका नीचे से काट कर चटनी बना लेती हूँ और इतना हिस्सा यानी कि पत्तियाँ मैं रख लेती हूँ, लेकिन आज मैं चटनी नहीं बना पा रही हूँ, कल बना लूंगी। तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। ये पूरा 250 ग्राम धनिया है और पूरे हफ्ते चल जाता है। जब मुझे सब्जी में डालने के लिए निकालना होता है तब थोड़ा सा धनिया मैं इसमें से उठाती हूँ और डायरेक्ट काट करके डाल देती हूँ। उस समय बिल्कुल परेशानी नहीं होती, ना देर लगती है। इसके बाद में एक और टिश्यू पेपर इसके ऊपर कवर करके इस तरीके से लगा देते हैं। और जब भी आप धनिया निकालें यूज करने के लिए, अगर आपको उसमें कोई पत्ता खराब दिख जाए उसे उस समय तुरंत निकाल दीजिए। इसी डब्बे में मैं थोड़े से करी पत्ते भी रख लेती हूँ, तो ये भी मैंने धोकर अभी रख लिए हैं। करी पत्ते का हमारे यहाँ पेड़ भी लगा है, लेकिन जब हम किचन में काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि पेड़ के पास जाएं और फिर तोड़ कर लाएं और फिर उसे यूज करें। तो थोड़े से करी पत्ता धोकर और अपने धनिया वाले डब्बे में ही रख लेती हूँ। इसको मैं टिश्यू पेपर के ऊपर ही इस तरीके से रख लेती हूँ और जब धनिया चाहिए होता है इस तरीके से टिश्यू पेपर हटा के और धनिया निकाल लेती हूँ, और जब करी पत्ता चाहिए तो ये तो ऊपर है ही। और इसे अब रख दीजिए फ्रिज में और पूरे हफ्ते तक इसे यूज कीजिए। और हमें रोजाना सब्जी के लिए हरी मिर्च भी तो चाहिए होती है, उसे भी हम संभाल के रखते हैं। जैसे 125 ग्राम हरी मिर्च है, अच्छे तरीके से धोकर सुखा ली है। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इनमें, हम हाथ लगाए तो बिल्कुल भी पानी हाथों पर नहीं आना है। और अब इनके डंठल तोड़ लेंगे। बिना डंठल तोड़े भी आप इन्हें रख सकते हैं, लेकिन इनके डंठल तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और डंठल तोड़कर रखते हैं तो ये और ज़्यादा चलती हैं। ये डंठल तोड़ दिए सारी मिर्च के। अब लीजिए एक जिप बैग, अगर कोई मिर्च आपको ऐसी दिखे ना, थोड़ी भी खराब हो रही है, उसे मत रखिए, ये हटा दीजिए बिल्कुल, और बस इसे बंद कीजिए। और अब आप कहीं पर भी रख लीजिए, आप फ्रिज के डोर में या सब्जी की बास्केट में कहीं भी रख सकते हैं। और इन मिर्च को आप जैसे मैंने डब्बे में धनिया रखा है ना, उस तरीके से भी रख सकते हैं, पूरे महीने भर चलती हैं। जब भी आपको यूज़ करना है निकालिए, काटिए और डालिए। धुली हुई मिर्च रखी हुई है, देखिए ये मैंने पूरी 8 दिन पहले मिर्च रखी हुई थी, और इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसी रखी है।
कुछ भी जैसी की तैसी मिर्च रखी है, कहीं कोई भी मिर्च एक भी खराब नहीं हुई है। ये मिर्च हमारी पूरी 20 दिन क्या महीने भर भी चल जाती है। और ये देखिए ये मेरी 15 दिन पुरानी मिर्च है और कितनी बढ़िया रखी है। अगर बाई चांस कोई मिर्च खराब हो जाए जब आप यूज करने के लिए निकालते हैं तो खराब मिर्च को तुरंत हटा दीजिए। 15 दिन में कुछ मिर्च थोड़ी सी लाल जरूर हो गई है लेकिन खराब कोई मिर्च नहीं है। तो ये मिर्च हो गई। और गर्मी का मौसम है तो हम पुदीना भी काफी यूज करते हैं, तो ये भी हमने 2-3 गड्डी इकट्ठी ले ली है और अच्छे तरीके से धो ली। पहले सबसे पहला काम होता है सब्जी को अच्छे तरीके से धोना और बास्केट में रख के उसे पानी सूखने तक सुखाना, तो वो हमने कर लिया है। अब पुदीना को साफ करना है, तो खराब डंडियां हो वो हटा दीजिए और इसके पत्ते तोड़ लेते हैं क्योंकि इसकी डंडियों को तो यूज नहीं करते, पत्ते ही यूज करने हैं तो डंडियों को रखने का कोई फायदा भी नहीं है। ये ऊपर से इतना नरम डंडी है वो उतार ली और बाकी के पत्ते, अगर इसमें आपको कोई खराब पत्ते दिखे उन्हें हटा दीजिए। ये पुदीना के पत्ते निकाल लिए। अब इन्हें या तो आप उसी तरीके से डिब्बे में स्टोर कर लीजिए, किसी भी डिब्बे में नीचे एक टिश्यू पेपर बिछाइए, उसके ऊपर पुदीना डालिए, एक और टिश्यू पेपर लगाइए और डब्बा बंद करके फ्रिज में रख लीजिए, या फिर कोई भी जिप लॉक बैग ले लीजिए और उसमें भरकर रख लीजिए। अब आप इस पुदीने को पूरे 10-12 दिन तक यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा हरा पुदीना घर में मिल जाएगा। जितना पुदीना चाहिए निकालिए और जिप बंद कीजिए और फिर से फ्रिज में रख दीजिए। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और करी पत्ता, इनको सबको हमने अच्छे तरीके से बंद करके फ्रिज में रख दिया। अब पूरे 8-10 दिन तक इन्हें यूज करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और यूज करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो आप इस तरीके से रख कर देखिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।